नमस्कार दोस्तों, ग्रेट एमएस वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। झुकता नहीं राम भक्त किसी के आगे, धनुषधारी राम को देखकर काल भी भागे। रामायण के प्रसंग के अनुसार जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तब रावण ने अपनी हार से बचने के लिए अपने मायावी भाई अहिरावण को याद किया, जो माँ भवानी का परम भक्त होने के साथ साथ तंत्र मंत्र का बड़ा ज्ञाता था। उसने अपने माया के दम पर भगवान राम की सारी सेना को निद्रा में डाल दिया तथा राम एवं लक्ष्मण का अपहरण कर उनकी बलि देने उन्हें पाताल लोक ले गया। कुछ घंटे बाद जब माया का प्रभाव कम हुआ, तब विभीषण ने यह पहचान लिया कि यह कार्य अहिरावण का है, तो उसने हनुमान जी को श्री राम और लक्ष्मण सहायता करने के लिए पाताल लोक जाने को कहा। पाताल लोक के द्वार पर हनुमान जी को उनका पुत्र मकरध्वज मिला और युद्ध में उसे हराने के बाद मकरध्वज ने बंधक श्री राम और लक्ष्मण जी के बारे में बताया। अहिरावण ने अपनी माया के द्वारा प्रभु श्री राम की सेना को निद्रा में कर दिया और राम लक्ष्मण को बंधक बनाकर पाताल लोक चला गया था, जहां अहिरावण ने 5 दिशाओं में 5 दिए जला रखे थे। उसे वरदान था कि जब तक कोई इन 5 दीपक को एक साथ नहीं बुझाएगा, अहिरावण का वध नहीं होगा। अहिरावण की इसी माया को समाप्त करने के लिए हनुमान जी ने 5 दिशाओं में मुख कर पंचमुखी हनुमान का अवतार लिए और 5 दीपक को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध किया। इसके फलस्वरूप भगवान राम और लक्ष्मण उसके बंधक से मुक्त हुए। इस प्रकार हनुमान जी को पंचमुखी कहलाया जाने लगा। श्री राम प्रभु के सबसे बड़े सेवक हनुमान जी आज भी किसी स्थान पर जीवित अवस्था में विराजमान हैं। हनुमान जी की पूजा से जीवन में बड़े से बड़े दुखों से निजात पाया जा सकता है, लेकिन हनुमान कवच के पाठ से मरता हुआ प्राणी जी उठता है और रोग दुख आदि से छुटकारा पा लेता है। इतना ही नहीं, कार्य सिद्धि के लिए भी हनुमान कवच का पाठ किया जाता है। बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध करने के लिए हनुमान कवच बहुत उपयोगी है। त्रेता युग में महाबली रावण से युद्ध करते समय स्वयं भगवान राम ने भी हनुमान कवच का पाठ किया था। यह हनुमान कवच की रचना भी स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने ही की थी। श्री हनुमान कवच अपने आप में भगवान श्री राम की शक्ति रखता है, जिसके प्रभाव से बुराइयों पर जीत पाई जा सकती है। इस कवच से भूत, प्रेत, चांडाल, राक्षस व अन्य बुरी आत्माओं से बचाव किया जा सकता है। यह कवच आपको टोने टोटके से भी बचाता है और आपकी रक्षा करता है। काला जादू इस कवच से पूरी तरह पराजित हो जाता है। इस कवच का पूर्ण लाभ से जीवन के सभी शोक मिट जाते हैं, अतः इसे शोक विनाशन भी कहा जाता है। साथ ही जीवन में जो भी कष्ट होते हैं वो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में अचानक खुशियां आ जाती हैं, वह हर तरह से संपन्न हो जाता है। जय श्री राम। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा और ग्रेट कहानियां सुनने के लिए ग्रेट एमएस वॉइस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।